अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने खुदा पर छोड़ दो। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला खूब जानता है। जब खुदा की मसलहतें समझ में आ जाएं तो दिल जिद करना छोड़ देता है। दुनिया के लोगों की मोहब्बत और नफरत के मामलात में ही उलझे रहोगे तो फिर अपने रब हकीकी की तरफ इश्क का सफर कब शुरू करोगे, जहां तुम्हें तनहा ही जाना होगा। या अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले दूर कर देना। आमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। मौत से सब डरते हैं मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। उससे नाउम्मीद होना कैसा जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह को अपने बंदे से ये सुनना पसंद है, गलती हो गई मौला मुआफ कर दे। ऐ हमारे मेहरबान अल्लाह, हमारे हाली दामन अपनी रहमत से भर दे। आमीन। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी और जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम तेरी अचानक गिरफ्त और तेरी हर किस्म की नाराजगी से पनाह चाहते हैं और तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह, कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे मैं तेरे घर आकर तवाफ करूं, नमाज पढूं, हजरे अस्वद को बोसा दूं और सारी उम्मत मुसलमा के हक में दुआ करूं। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो जिंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।